अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश रखे, खैर व आफ़ियत में रखे, हलाल व हराम का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। सवाल ये था कि कूडे की नियाज का हुक्म क्या है। उसका जवाब ये है कि ये हराम, नाजायज़ और शिर्क है। जाफ़र सादिक के नाम पर नियाज गरीबी दूर करने के लिए और दौलत का अंबार लगाने के लिए जाफ़र सादिक के नाम पर ये नियाज दी जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बगावत है और क़ुरान और सुन्नत से बल्कि दीन इस्लाम से इनहराफ है। जो लोग कहते हैं कि हमने फातिहा नहीं दिया और ना हमने ये नियाज दी है, इसलिए खाने में क्या हर्ज है, बिस्मिल्लाह कह कर खा लें। उसका जवाब, रब्बे कायनात ने क़ुरान करीम की 4 आयतों में दिया है, वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह और वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाह बिह। गैरुल्लाह की दुहाई जिस चीज़ पर दी गई है कि ये कूडे की नियाज है, जाफ़र सादिक की नियाज है, ये हराम है, ऐसे ही हराम है जैसे सुअर और खिंजीर का गोश्त है, और मरा हुआ जानवर जिस तरह से बिस्मिल्लाह कह कर नहीं खाया जा सकता है, उसी तरह से कूडे की नियाज भी नहीं खाई जा सकती है। जिस तरह से बहते हुए खून को बिस्मिल्लाह कहकर नहीं खाया जा सकता है, उसी तरह से कूडे की नियाज को भी बिस्मिल्लाह कहकर नहीं खाया जा सकता है। जिस तरह से सुअर के गोश्त पर बिस्मिल्लाह कहकर नहीं खाया जा सकता है, उसी तरह से कूडे की नियाज को भी गैरतमंद मुसलमान बिस्मिल्लाह कहकर नहीं खाएगा। शीयत और राफजियत की पॉलिसी है कि इस्लाम की जड़ों को उखाड़ फेंकना है, लेकिन माजी में जिस तरह से रवाफिज शिया, मजूस की औलाद और यहूद की तरबियत याफ्ता पार्टी नाकाम हुई है, गयूर मुसलमान नाकाम करते रहेंगे। मुसलमान रब के क़ुरान को मानता है, नबी के फरमान को मानता है। नजर व नियाज सिर्फ और सिर्फ रब कायनात का हक है और वही बलाओं को टालने वाला है, गरीबी को वही दूर करने वाला है और माल व दौलत से भी वही नवाजने वाला है। न कोई जाफ़र सादिक किसी की गुर्बत को दूर कर सकता और न ही कोई जाफरी सादिकी दौलत का अंबार लगा सकता है। وَيَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ, یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس لیے مسلمانوں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو توبہ۔ یہ غیر اللہ کی نیاز ہمارے سماج کو کھوکھلا کرنے کے لیے کافی ہے۔ شرک نے مسلمانوں کو ذلیل کر کے رکھا ہے और शिर्किया जितने काम हैं, चाहे कब्र परस्ती हो, मुर्दा फरोशी हो या मुर्दों की दुहाई हो, ये शीयत और राफजियत की देन है। इसलिए मुसलमानों, इन बातों को समझने की कोशिश करो कि तुम एक अल्लाह के मानने वाले हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो। शिया तुम्हें 12 इमामों के चक्करों में
कभी या हुसैन के नाम पर, कभी या अली के नाम पर और कभी जाफर सादिक के नाम पर गुमराह करने की कोशिश करते। तुम एहतिसाम बिल किताब व सुन्ना का सबक पढ़ो, इन नजर व नियाज को अपने पांव से रोंद डालो, यही तुम्हारे ईमान का और मोहब्बत मुस्तफ़ा का तकाजा है।